मोदी सरकार आर्थिक मोर्चे पर खुद को बचाने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन देश के मौजूदा हालात उसकी कमियों को उजागर कर रहे हैं। इससे निपटने की बजाय मोदी सरकार कंपनियों की नीलामी कर खुश हो रही है। जी हां, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अब सार्वजनिक क्षेत्र की 3 बड़ी कंपनियों के निजीकरण करने का फैसला लिया है, जिसे लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है। मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है वो यही राग अलाप रही है कि जो काम पिछले 70 सालों में नहीं हुआ वो मोदी सरकार ने कर दिखाया, और अब तो वाकई लगने लगा है कि सरकार वो कर रही है जो आज तक किसी सरकार के राज में नहीं हुआ। मोदी राज में ही बेरोजगारी उच्चतम स्तर तक पहुंची। पीएम मोदी के शासनकाल में ही आर्थिक मंदी चरम पर है, और मोदी राज में ही अब देश की बड़ी सरकारी कंपनियों का निजीकरण तेजी से हो रहा है। जी हां, केंद्र सरकार ने अब 3 बड़ी कंपनियों को निजी हाथों में सौंपने का फैसला कर लिया है, जिसे लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा, बनाया कुछ भी नहीं पर सब कुछ बेच डालेंगे। देश बेचना इसे ही तो कहते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि सरकार ने पेट्रोलियम क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मालवाहक कंपनी कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और शिपिंग कंपनी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मालिकाना हक और प्रबंधन निजी हाथों के नियंत्रण में देने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड लंबे समय से घाटे में चल रही है, इसलिए सरकार ने बीपीसीएल में अपनी हिस्सेदारी का 53.29% हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की 63.75% बिक्री होगी। कॉन्कोर में सरकार अपनी 54.8% की कुल हिस्सेदारी में से 30.8% हिस्सा बेचेगी, जबकि टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड की 74.23% हिस्सेदारी और नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉर्पोरेशन की सभी 100% हिस्सेदारी सरकारी कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को बेची जाएगी। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के भविष्य का क्या होगा। इसे लेकर ही अब कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने आज लोकसभा में नारेबाजी भी की और सरकार से निजीकरण को बढ़ावा न देने की बात कही। डीबी लाइव की रिपोर्ट।